दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करते ही आप हमसे जुड़ जाएंगे। दोस्तों रेलवे एलपी टेक्नीशियन एग्जाम 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हो चुका है। आप जैसे दोस्तों ने कुछ ऐसे मेमोरी बेस्ड सवाल हमें भेजे जो कि शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं, वही सवाल हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं सवाल। उसके पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना किसने और कब की, यह सवाल पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी 1975 में। दोस्तों एक सवाल है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सवाल पूछे गए। दोस्तों पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो पेनल्टी किक जो ये शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो केरल से संबंधित है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गणित से जो सवाल पूछे गए, मैथमेटिक्स से 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी, तो इसका आंसर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व भी करके देख सकते हो। दोस्तों इसका मान पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स से, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। और दोस्तों ज्योमेट्री से एक सवाल आया था, ट्रेन एंड स्पीड से 2 सवाल, ए से 1 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन, और भी जैसे कोई शिफ्ट 2 के सवाल हमें मिलते। आपका पेपर अगर शिफ्ट 2 में था 10 अगस्त 2018 को, आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से सवाल पूछे गए, और जैसे ही कोई नए सवाल हमें मिलते वो सवाल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चंस अपलोड कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।